हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों SOL के फिफ्थ सेमेस्टर के BCOM ओनर्स और आई थिंक BCOM प्रोग्राम के जो फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, इनके एडमिशन फॉर्म या फिर आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का जो लिंक है SOL ने प्रोवाइड कर दिया है। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों SOL ने आप सभी को SMS भी किया होगा, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको अगर SMS नहीं आया है तो क्या वो अपने जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है मैसेज दिखा देता हूँ कि आप सभी को मैसेज कैसा आया होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 5:00 अप्रोक्स इससे पहले ही आप सभी को जो है ये SMS आया होगा, और SOL हैज़ इनिशिएट न्यू प्रोसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल फ्रॉम इट्स रीजनल सेंटर्स। इन हिज प्रोसेस स्टूडेंट आर एडवाइज टू टेक अपॉइंटमेंट ऑन बिलो मेंशन लिंक, रीच एट द सेंटर ऑफ अलॉटमेंट डेट। यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और अपना जो स्टडी मटेरियल है वो कलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली अपने बुक को या अपने स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप SOL की साइट पे आएंगे, कंटिन्यू टू वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जो है अपने SOL के रोल नंबर और बारकोड के थ्रू यहाँ पे आपको जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर का जो है ये स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अपने NEP प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, SOL की यहाँ पे मिस्टेक है। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, अपने देख सकते हैं पेपर 1 जो कि सेमेस्टर 5th यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पेपर 2 और पेपर 3, ये आपके 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपको जो कोई एक सब्जेक्ट जो कि इसी को आपको चूज़ करना होगा, और जर्नी इलेक्टिव में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, जो कि यहाँ पर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर आपने पढ़ा हो या पढ़ना हो उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कर देने के बाद जो आपका SE सब्जेक्ट होगा इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होगा। तो जो मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ, और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले से बना के दी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर देने के बाद आपको अंडरटेकिंग के ऊपर आपको क्लिक करके सबमिट कर देना है, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आ जाएगा। अपॉइंटमेंट आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपकी अपॉइंटमेंट आएगी। यहाँ पे दोस्तों जो ये कोर्स है किसी और कोर्स के अपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट रहने वाला है कुछ इसी तरह का आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट देखने को मिलेगी, इसके बाद यहाँ पे आपका किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसको देखने को मिलेगा, कौन से सेमेस्टर का है, और यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं वो देखने को मिलेंगे, और नीचे यहाँ पर आपका जो स्टडी सेंटर है जहाँ से आपको अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सभी लोग अपने जो सब्जेक्ट हैं फिफ्थ सेमेस्टर के वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अगर मैसेज नहीं आया है तो वो भी यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जहाँ से आप लॉगिन करते हैं अगर वो लिंक नहीं मिलता है तो आपको परेशान नहीं होना है, या भी इसके जो सब्जेक्ट चूज़ करना है या जो एडमिशन है ये भी केवल हाल ही में स्टार्ट हुआ है, तो अभी आपको जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपके डैशबोर्ड में अगर लिंक मिलता है तो आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लेने के बाद जो भी आपका सेंटर लोट हुआ होगा, जहाँ पे भी आपको बोला गया होगा बुक्स लेने के लिए, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, वहाँ पे आप अपनी बुक लेने के लिए जा सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप सभी को देनी थी। इसके अलावा अगर आपके एडमिशन के रिगार्डिंग या आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो एक सेपरेट वीडियो पहले से बना के दिए, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर फॉलो करके भी आप अपने पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।